दुनिया की सबसे अधिक छपने वाली करीब 1 करोड़ पुस्तक शायद ही दुनिया के इतिहास में यदि कोई छपी है तो वो औषध दर्शन है, और करोड़ों लोगों तक पहुंची, 1 करोड़ से अधिक ये पुस्तक छप चुकी है। आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, जिसमें आयुर्वेद के सभी ग्रंथों का सार है, और अभी तक सब ऋषि मुनियों ने और जितने भी महापुरुषों ने काम किया उन सबके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्हीं से ये ज्ञान परंपरा हम तक पहुंची है। 1000 के करीब जड़ी बूटियों के बारे में अभी तक लोगों को जानकारी थी, अब 10,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों की जानकारी के साथ ये विश्व भेषज संहिता वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया और उसका ये विश्व भेषज जड़ी बूटी कोश अर्थात ग्लोसरी ऑफ वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, इसका तो प्रकाशन हो चुका है, जिसमें 10,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों का 150 से ज्यादा भाषाओं में नाम और उनके गुणधर्म के बारे में सामान्य प्रबोधन है। और अभी विश्व भेषज संहिता का कार्य पूर्णता की ओर है। पूरी दुनिया के इतिहास की ये बहुत बड़ी घटना होगी जब बहुत जल्दी ही विश्व भेषज संहिता देश और दुनिया के लोगों तक पहुंचने ही वाली है। ये भी दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। आज बहुत बड़ा दिन होगा आयुर्वेद के लिए, आरोग्य के लिए। आज जो जड़ी बूटी रहस्य का एक खंड देखते थे, ये भी छोटा था, आज क्योंकि अभी उसको उद्घाटन से पहले मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, उसका विमोचन होगा विधिवत। श्रद्धेय आचार्य श्री ने मुझे शाम को ही वो गिफ्ट में उपहार में दे दी थी। तो आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य के 3 खंड, आयुर्वेद महोदधि, अजीर्ण मृत संजीवनी, अजीर्ण मृत मंजरी और भोजन कुतूहलम, ऐसे 4 ये अप्रकाशित ग्रंथ हैं। ये 4 बड़े ग्रंथों का विमोचन आज श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस के उपलक्ष में होगा। ये ज्ञान प्रसाद सबको मिलेगा, और 9 बजे के कार्यक्रम में इस का प्रसारण आस्था के हमारे करोड़ों करोड़ भाई बहन देख सकेंगे। तो आज 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक और फिर 3 बजे से लेकर के सांझ तक पूरा दिन उत्सव का होगा, और पतंजलि योगपीठ के साथ साथ पूरे देश और दुनिया में यह उत्सव मनाया जाएगा। श्रद्धेय आचार्य श्री के दीर्घ जीवन के लिए, उनके यशस्वी जीवन के लिए, उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए, उनके ओजस्वी तेजस्वी जीवन के लिए, एक एक पल जो उन्होंने मानवता के लिए जिया है, देश धर्म संस्कृति सत्य के लिए न्याय के लिए जीवन जिया है, ऐसे यशस्वी जीवन को हम सब की ओर से उनके इस पावन उपस्थिति को, उनके इस भागवत जीवन को, ऐसे उस शाश्वत के प्रतिनिधि को, सच्चे अमृत पुत्र को, एक सच्चे आदर्श ऋषि पुत्र को हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके पावन जन्मदिवस पर। और श्रद्धेय आचार्य श्री के कुछ चंद उद्बोधन के शब्दों के साथ फिर हम आज के यज्ञ के अनुष्ठान के लिए आगे बढ़ेंगे। श्रद्धेय आचार्य श्री से आप सबके जोरदार अभिनंदन के बीच में आह्वान किया, अपने मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम सबको कृतार्थ।